ठीक हैज और हैव, ये दो वर्ड हैं, हैज और हैव। हैज जो है कोई चीज तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास मौजूद है, तुम रखते हो उसे या तुम नहीं रखते हो फिर भी है, तुम्हारी मजबूरी है उसे रखना, तो हैज का प्रयोग करेंगे और हैव का प्रयोग करेंगे। हैज और हैव का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही है। हैज का मतलब भी वही, हैव का मतलब भी वही, दोनों का रखना होता है। अब तुम क्या क्या रखते हो अपने पास या दूसरों के पास क्या क्या शो करते हो, दिखाते हो, तो उन दोनों का मीनिंग एक ही है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पास पेन है, अब बताओ मेरे पास पेन है या मैं पेन रखता हूँ, एक ही बात है ना। तो अब देखो आई हैव पेन, ठीक है, दूसरा ये तो सर जी हैव का यूज हो गया, आई हैव पेन मेरे पास पेन है, आई हैव मोबाइल मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मदर एंड फादर मेरे पास मम्मी और पापा है, ठीक है, समझ आ रहा है, तो वो भी तो रखते हो है ना, है या उन्होंने तुम्हें रख रखा है, नहीं ये रखा। तो हैव किस किस के साथ लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा। अब मैं बोलता हूँ, अभी तो मैं बोल रहा था मेरे पास शर्ट है, आई हैव शर्ट, मेरे पास शर्ट है, आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास क्या है, ऐसे कि यू हैव, तुम्हारे के लिए यू लगेगा, ठीक है, यू हैव पेन, तुम्हारे पास पेन है। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन होगा अगर मैं सवाल पूछूंगा तो हैव पहले लगा दूंगा, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों से बोलता हूँ यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है, तो ये सवाल हो जाएगा, हैव पहले लगा दूंगा मैं, हैव यू पेन, तुम्हारे पास एक पेन है, हैव अगर पहले लग गया तो सवाल हो जाएगा। अगर मैंने पूछा यू हैव पेन, तुम्हारे पास एक पेन है, तो मैंने बताया है तुम्हें, पूछा नहीं है, अगर पूछूंगा तो हैव पहले लगा दूंगा, ठीक है, हैव यू पेन, तुम्हारे पास एक पेन है, ये सवाल हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी बताओ किस किसके समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत आसानी की तरीके से समझ आ रहा हूँ और इससे आसान कोई तरीका नहीं है। ये तो हैव का यूज बताया मैंने कि हैव, अब देखिए आई हैव अ न्यू डॉल, मेरे पास एक नई गुड़िया है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन तुम्हारे पास जो जो है, अब देखो तुम्हारे पास आंखें भी हैं, तुम रखते हो कान भी हैं, अब तुम इसे रखते हो, तुम्हारे पास है ना, अगर तुमने मेरे लिए लगाया, अपने लिए लगाया खुद, तो उसे बोलेंगे आई के साथ हैव, ठीक है, तो आई हैव, अगर कभी भी तुम्हारे पास कोई चीज है तो आई के साथ बोलो हैव लगा दो, आई के साथ हैव लगा दो, वेरी गुड, आई हैव। अब तुम्हें खुद बताना है, तुम्हें इंग्लिश में अपने अपने नाम बताया ना, इसे हेयर बोलते हैं, इसे ईयर बोलते हैं, इसे हैंड बोलते हैं, इसे फिंगर्स बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ना सारी चीजें, इसे पेन बोलते हैं, इसे शर्ट बोलते हैं, सारी चीजें हैं, तो आई हैव लगाओ और बोलना स्टार्ट करो, हैव यू शर्ट, हैव यू पेन, हैव यू नॉलेज। अभी तो सवाल हो गया, मैं हैव बोल रहा हूँ ना, पहले हैव बोल रहा हूँ तो ये सवाल में आ जाएगा, हैव यू नॉलेज, क्या तुम्हारे पास जानकारी है, नॉलेज है, तो यस आई हैव नॉलेज, यू हैव यू पेन, आई हैव अ पेन, एक पेन है, अगर बहुत सारे पेन होंगे तो कैसे बोलोगे, आई हैव टू पेन, फाइव पेन, जो भी तुम काउंटिंग कर सकते हो, बहुत सारे पेन है, आई हैव मैनी पेन, समझे, किस किस के साथ हमारी गाने, वेरी गुड, अगर सबके समझ में आ रहा है तो